हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली रेसिपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी S/4HANA पे कंप्लीट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम पूरी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को सेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके अलावा जो जो हमारी नेसेसरी सेटिंग्स होती है फॉर क्रिएटिंग द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो वो पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है या नहीं। तो पूरी ये वीडियो एक कॉन्फ़िगरेशन बेस रहेगी, तो आप एक सिंगल वीडियो में सारी कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हो। तो इसमें जस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, बाकी अगर आपको डिटेल में कोर्स सीखना है कि ये चीजें क्या होती है, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं www.htutorial.com। कोर्स पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए SAP FICO, SAP MM, SAP S/4HANA, तो आप जिस भी कोर्स पे जाएंगे उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, कितने लेसन है, ये सेक्शन वाइज है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो सारी हमारी वीडियो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और एनरोल कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को सेट करना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर। तो सबसे पहले हम आते हैं SAP में। SAP में हम आ गए। SAP में ये इजी एक्सेस मेन्यू है, तो हम जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेट करते हैं वो किसमें करते हैं, SPRO में। तो SPRO में जाएंगे, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, SAP रेफरेंस IMG में सबसे पहले हमें जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आएंगे, डिफाइन, डिफाइन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट में पहला ऑप्शन है डिफाइन कंपनी। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्या होती है, ग्रुप। तो हम यहाँ कर लेते हैं डिफाइन कंपनी फर्स्ट स्टेप में। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप डिफाइन कंपनी। डिफाइन कंपनी में आके यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट पे बटन, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बनाएंगे। तो कंपनी जैसे हम बना लेते हैं एप्पल। ओके, यहाँ लिख देते हैं एप्पल GROUP, एप्पल ग्रुप। ओके, कहाँ पर है दिल्ली, जो जो आपको नेसेसरी चीजें हैं वो आप डाल सकते हो। कंट्री कहाँ है, IN, और करेंसी क्या रहेगी इसकी, INR। एंटर करेंगे, एप्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो APPLEE कर देते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक इस तरह का आपके पास एक पॉपअप आएगा। जब भी ये पॉपअप आए तो आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट क्लिक करनी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या बना रहे हैं, हम डिफाइन कंपनी। ओके, डिफाइन कंपनी, इसको सेव करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। देखिए सेव हो गई। तो हमने क्या बनाई, कंपनी क्या है हमारी, APPLEE। यहाँ से हम क्विक कट कॉपी पेस्ट को भी ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको राइट डाउन कर देते हैं, हमने क्या बनाई है, APPL। तो हम बैक आते हैं, कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एडिट कॉपी डिलीट कंपनी को। तो इस कंपनी की जितनी भी लीगल एंटिटीज है उसके लिए हमें कंपनी कोड बनाना होगा, जिसमें हम अपने फाइनेंशियल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने बना दिया APLEE, APLEE है, अवेलेबल है, APEL बना लिया हमने, APEL। एप्पल इंडिया लिमिटेड। ओके, कहां पर है ये, लाइक दिल्ली में। कंट्री IN, करेंसी INR, एंटर करेंगे। इसे जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसकी सारी डिटेल डाल देंगे। एंटर कर देंगे और इसको सेव। तो हमने कंपनी कोड क्या बनाया, हमने APEL, ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपने एक्सेल पे, APEL। और ये है क्या चीज, ठीक है, जब भी आप रियल टाइम में भी काम करोगे तो इस तरह से ही आपको करना होता है। तो कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्या बनाया हमने, सेकंड नंबर पे कंपनी कोड। तो कंपनी कोड भी बन गया। उसके बाद आते हैं, बैक आते हैं। अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को यहाँ से बंद करने के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन को हम यहाँ से ऑफ करेंगे और असाइनमेंट पे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, असाइन कर थर्ड में असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारी कंपनी थी ए पी एल एंटर करते हैं, और यह अपना जो हमने बनाया था ग्रुप हमारा ए पी एल ई यही था, इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये भी हमारा असाइन हो गया। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, यहाँ पर आएंगे हम लेजर्स में। लेजर्स में सबसे पहले हम करेंगे फील्ड्स को। ठीक है, तो फील्ड्स पे आते हैं, फील्ड्स पे क्लिक करते हैं, तो हमें डिफाइन करना है फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो हमारे फील्ड्स को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं फोर्थ नंबर पे हम असाइन कर रहे हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट पे हम जो हमारी स्टैंडर्ड होती है, क्या स्टूडेंट स्टैंडर्ड को चेंज कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड को आपको कभी चेंज नहीं करना। तो स्टैंडर्ड पे इसको क्लिक करके यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करेंगे, और लाइक हमारी APEL था तो हम APEL से ही अपना एक फील्ड स्टेटस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी ऑल। बेसिकली फील्ड स्टेटस क्या करता है, किस फील्ड को आपको रिक्वायर्ड करना है, किसको ऑप्शन रखना है, वो आप फील्ड स्टेटस से कंट्रोल कर। हो गया, तो बैक आते हैं, तो सारी कॉपी। उसके बाद असाइन फील्ड स्टेटस कंपनी कोड से हमें असाइन करना है, तो यहाँ पर डाल देते हैं फिफ्थ नंबर पे हम करने वाले हैं असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस। तो हम आते हैं एसएपी में और इसको क्या करते हैं, अपना कंपनी कोड डालते हैं APEL, और हमने जो बनाया है फील्ड स्टेटस वो भी APEL ही बनाया है, तो इसको हम इसके साथ असाइन कर देते हैं। तो फील्ड स्टेटस भी हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसको यहाँ पर आएंगे फिस्कल ईयर एंड पोस्ट। अब हमें फिस्कल ईयर जो हमारा कैलेंडर ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमें असाइन करना है, तो यहाँ पर आएंगे असाइन फिस्कल ईयर टू कंपनी कोड। तो यह इसे जस्ट हम असाइन कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे K4 या V3, हम उसी को यहाँ से असाइन कर रहे हैं। तो असाइन में आएंगे तो यहाँ पर हमारा APEL, तो हम असाइन कर रहे हैं लाइक V3 को, अप्रैल टू मार्च। इसको सेव कर देंगे यहाँ से सेव। तो फिस्कल ईयर भी हमारी कंपनी कोड पे असाइन हो गया है। ओके, अब बैक आते हैं। उसके बाद आते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। जो हमने फिस्कल ईयर तो असाइन कर दिया, अब जो पीरियड्स हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल करोगे, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के थ्रू। बाकी डिटेल में अपने हमने कोर्स में कवर किया है इसको। यहाँ पर जस्ट हम कॉन्फिगरेशन कर रहे हैं, डिफाइन वेरिएंट फॉर पोस्टिंग पीरियड पे हम आएंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएंट क्रिएट करेंगे, हमने बनाया APEL पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर APEL, हमने वेरिएंट का नाम रख दिया APEL ही रख दिया। बैक आएंगे, अब इस वेरिएंट को असाइन करेंगे अपने कंपनी कोड से, तो इसको भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, असाइन असाइन को भी हम मेंशन करते हैं यहाँ पर। तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। असाइन पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे अपना कंपनी कोड डालेंगे APEL एंटर करेंगे, और जो हमने बनाया है वो भी APEL ही है, तो हमने यहाँ पर असाइन। हो गया इतना। उसके बाद ओपन एंड पीरियड को हमें मेंशन करना है, ओपन एंड क्लोज पीरियड। तो मेंटेन ऑल पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर लाइक ये स्टैंडर्ड है, हम इनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, हम अपना जो हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया था उसको यहाँ पर डाल देते हैं। बाकी पीरियड हमारे ठीक है, तो जिस पीरियड को आपको ओपन रखना है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे अप्रैल से अगर मैं मार्च की बात करूँ तो अप्रैल फर्स्ट पीरियड हो गया, मई सेकंड, मई जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त हमारा कौन सा पीरियड है, फिफ्थ। ओके, जैसे फिफ्थ है तो हम अगस्त के लिए फिफ्थ यहाँ पर ओपन कर देते हैं। एंटर, और इसको हम सेव कर। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है, पोस्टिंग पीरियड
वेरिएंट था। ओके, जनरल लेजर अकाउंटिंग में मास्टर डेटा, जनरल लेजर अकाउंटिंग एंड प्रिपरेशन, अब आएंगे हम चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में सबसे पहला एडिट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट की सेटिंग करनी है अब हमें कि आपको अपना जो चार्ट ऑफ अकाउंट है किस तरह से मेंशन करना बनाना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पर न्यू एंट्री करेंगे, तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम भी रख दिया APEL ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर APEL। अब किस लैंग्वेज में बनाना है आपको, हमें इंग्लिश में बनाना है। कितने डिजिट में हमारे होने चाहिए, तो हमने कहा लाइक सिक्स डिजिट, सिक्स या एट जितने में आपको रखने हैं वो आप यहाँ नंबर रख सकते हैं। तो बना लिया हमने चार्ट ऑफ अकाउंट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट में हमें क्या असाइन करना है, अपने कंपनी कोड से, तो असाइन करेंगे, ओके करेंगे। हमारा कंपनी कोड क्या है, APEL, और APEL हम इसको असाइन कर देंगे, असाइन कर दिया, ओके कर। इस तरह से आप करोगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद डिफाइन अकाउंट ग्रुप पे आएंगे। अभी हमें यहाँ पर अकाउंट ग्रुप बनाना है, तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट था APEL, इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट के जो अकाउंटिंग ग्रुप है वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने डाल दिया ऐसे शेयर कैपिटल एसेट लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस इनकम, ओके। तो हमने यहाँ पे शुरू कर दिया शेयर कैपिटल असेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब यहाँ पर जो अपने डिजिट जो दिखाई थी, हमने सिक्स डिजिट दिया, तो सिक्स डिजिट में हम यहाँ पर अकाउंट ग्रुप मेंटेन करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी, 1 से लेके जो सीरीज दिया मैंने शेयर कैपिटल को दे दी 199, ऐसी 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ही आपको देनी है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सेव, तो ये सारा हमने यहाँ पर कर लिया है, तो इसको भी हम वहाँ पर डाल देते हैं अपने एक्सेल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था हमारा अकाउंट ग्रुप हमने बनाया है, अकाउंट ग्रुप हम यहाँ पर डालेंगे। और अब बनाते हैं हम अपना रिटेन अर्निंग अकाउंट, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को कैप्चर करेगा। तो एक्स दे देते हैं और यहाँ पर एक अकाउंट इसको अप्लाई कर दीजिए, डबल दो बार एंटर करना पड़ेगा आपको, और इसको तो इतना हमारा हो गया डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट का। तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट भी मेंटेन कर लिया, तो हमने रिटेन अर्निंग अकाउंट तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसे आगे देखते हैं, तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब यहाँ पर ही आएंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। अब हमें डॉक्यूमेंट नंबर रेंज मेंटेन करनी है अपने कंपनी कोड के लिए। सबसे पहले हमें डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज चेक करनी है, ओके। तो हम स्टैंडर्ड कंपनी कोड में देखते हैं, 0001 में इंटरवल चेक करते हैं कि कौन से ईयर की अवेलेबल है, 2023 की अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, अपने कंपनी कोड में 0001 से कॉपी करेंगे। तो कॉपी टू कंपनी कोड का ऑप्शन आ रहा है नंबर रेंज कॉपी करने के लिए। तो जब हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे तो उसको एक नंबर जनरेट होगा, तो वो नंबर के लिए हमें डॉक्यूमेंट नंबर रेंज भी बनानी पड़ेगी। तो कंपनी कोड किस से कॉपी करना है, 0001 से हम कॉपी कर रहे हैं किस में, अपनी कंपनी कोड में APEL, APEL में इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसको सारी नंबर रेंज हमारी कंपनी कोड में कॉपी। तो इतना भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन है टॉलरेंस ग्रुप का। तो टॉलरेंस ग्रुप में आएंगे, यहाँ पर हमें डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉई ये भी मेंटेन करना होगा। इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे, ये ब्लैंक बनाना होगा आपको,
यहाँ पर डाल देंगे अपना कंपनी कोड जस्ट, और एंटर कर देंगे और उसे सेव। इतना हमारा काम कंप्लीट है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या क्या बनाया था वो भी हम वहां पर मेंशन कर देते हैं। एक तो हमने बनाया टॉलरेंस की सेटिंग करी है, और उससे पहले हमने करा था नंबर एज। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इतना हो गया। अब हम बनाते हैं अपना कंट्रोलिंग एरिया। ओके, तो कंट्रोलिंग के लिए हम आएंगे कंट्रोलिंग टैब में, कंट्रोलिंग जनरल, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, ओके करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोलिंग एरिया को मेंटेन करेंगे। तो हम कंट्रोलिंग एरिया भी APEL से ही बना रहे हैं। कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड डालते हैं तो सारी डिटेल ऑटोमेटिक कैप्चर कर। ओके, अगर आपको क्रॉस रखना है क्रॉस कंपनी कोड तो आप क्रॉस रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम रखते हैं करेंसी टाइप ग्रुप करेंसी। ओके, अब यहाँ पर कॉल सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की, तो CCAPEL रख देंगे और एंटर कर देंगे इसको। यस, ओके, तो इतना कर दिया है। हमारी जो ग्रुप करेंसी है कंट्रोलिंग एरिया वो है 30, सेव कर देंगे इसको। अब असाइन कंपनी कोड पे आएंगे और इसको अपने कंपनी कोड से असाइन कर देंगे APEL, सेव कर देंगे। ओके, अब एक्टिवेट करेंगे कंपोनेंट। ओके, न्यू एंट्री पे जाके 2023 से हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हम कॉल सेंटर को एक्टिव कर रहे हैं जस्ट और इसको सेव। ओके, तो हमने कंट्रोलिंग एरिया भी एक्टिवेट कर। तो हमने यहां से क्या मेंटेन करा है, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अब हम लेजर सेटिंग चेक करते हैं। ओके, अब हम अपनी लेजर सेटिंग चेक करते हैं, ऊपर आते हैं। अब ये मेन है, इसी में सबसे ज्यादा एरर्स आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग लेजर्स एंड लेजर्स, इस पर आएंगे। यहाँ पर आ रहा है डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप, इस पर हम ओके करेंगे। अब आपकी कंपनी के कितने लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर है वो आपको देखना है। लीडिंग लेजर एक ही होता है हमारा, 0L, 0L हमारा लीडिंग लेजर होता है। तो पहले हम लीडिंग लेजर की सेटिंग को चेक करेंगे कंपनी कोड पे। हमारा कंपनी कोड है APEL, इसको ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी सोर्स करेंसी कुछ नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पर कह रहा है ग्लोबल करेंसी, ग्रुप करेंसी, सोर्स करेंसी। तो सोर्स करेंसी हमारे को क्या करना है, करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर, यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ न्यू एंट्री करके, जो जैसे अब लाइक मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ 0001 को, इसको जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर अपना कंपनी कोड डालेंगे हम। हमारा कंपनी कोड है APEL और यहाँ डाल देंगे, आ गई। और सोर्स करेंसी हम डाल देंगे 10, कंपनी कोड करेंसी से कन्वर्ट हो हमारी ग्रुप करेंसी, इसे सेव कर देंगे। तो अब आते हैं अपने 0L पे क्लिक करते हैं, अपना लीडिंग लेजर पे, लीडिंग लेजर हमारा ये है, इसको ओके करते हैं। ओके, देखिए अब आ गई यहाँ पर कंपनी सोर्स करेंसी। जो भी हम कंपनी कोड पे जब हम ट्रांजिशंस करेंगे कंपनी कोड करेंसी पे करेंगे, ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी हमारी ग्रुप करेंसी। तो इतना हो गया। इसके अलावा अगर आपको अपना एक लेजर और क्रिएट करना है नॉन लीडिंग लेजर, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू एंट्री क्लिक करके यहाँ पर नॉन लीडिंग लेजर हम ऐसा डाल देते हैं, L, हम डाल देते हैं AA या AE, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, A9, A9 नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ डाल दिया नॉन लीडिंग
लेजर और ए एपी एल ई, एपी एल ई के लिए हमने नॉन लीडिंग लेजर बनाया। ओके तो ये हमने बना लिया। इसके बाद इसकी कंपनी कोड सेटिंग में आएंगे, न्यू एंट्री में जाएंगे और अपना कंपनी कोड इससे असाइन कर देंगे, APEL। ठीक है, साइड है यहाँ पर कॉपी। अगर नॉन लीडिंग का आप पीरियड कुछ और रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। ओके इतना हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट है। तो हमने यहाँ सेटिंग कर ली लेजर की। अब हमारी मोस्टली सारी सेटिंग हो चुकी है। अब हमें चेक करनी है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे पहले तो ऐसे पे हम आएंगे SE16N में। तो हमारी जो टेबल है वो ये टेबल है। ओके ये टेबल आपको टाइप करनी है और यहाँ पर ये टेबल आप टेबल पे आके आप एंटर करोगे और यहाँ पर अपना कंपनी कोड एंटर करोगे, APEL जो भी आपने का कंपनी कोड है वो आप एंटर करोगे। अब यहाँ पर आपको लेजर्स दिखाएगा कि आपकी कंपनी कोड पे कौन कौन से लेजर्स असाइन है। देखो हमने 0L और A9, ये तो हमारी कंपनी कोड के, बट ये ऑटो असाइन हो गए हमारी कंपनी कोड पे, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आएंगे लेजर पे ही आएंगे यहाँ पर। तो पहला लेजर कौन सा है, OC। OC पे आएंगे कंपनी कोड सेटिंग में। पहले हम लेजर चेक करते हैं कौन कौन सा साइड है। तो पहला लेजर कौन सा है, OE है। तो OE लेजर पे आएंगे, OE क्लिक करेंगे और कंपनी कोड पे आएंगे, ओके करेंगे और अपना कंपनी कोड में यहाँ से APEL डाल के इसको यहाँ से डिलीट करके और यहाँ से सेव कर दो। तो जो अननेसेसरी लेजर्स हैं उनको आपको अपने कंपनी कोड से असाइन हटाना होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टेस्ट सर्वर है, मल्टीपल यूजर इस पे काम करते हैं। तो एक लेजर हमने हटा दिया, उसके बाद ओ ई हो गया। उसके बाद आता है AE। AE लेजर देखते हैं, लेजर में आएंगे, AE लेजर ये रहा, कंपनी कोड पे आते हैं, ओके करते हैं। तो APEL में आके इसको क्लिक करके और यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको सेव कर। ये भी हट गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट लेजर देखते हैं, EL और ZD। तो लेजर में आते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे। और उसके बाद क्या था, नेक्स्ट लेजर X3 है। X3 पे आएंगे लेजर पे आके यहाँ पर, X3 दिस वन कंपनी कोड, ओके। और यहाँ पर APEL इसको भी हटा देंगे। और लास्ट लेजर कौन सा है हमारा, Z5। Z5 लेजर पे आएंगे, ओके करेंगे और नीचे आएंगे और Z5 यहाँ से भी इसको कंपनी कोड पे आके ओके यहाँ से इसको हटा देंगे और उसको जेट सेव कर। तो ओके कर देंगे। अब हम चेक करते हैं, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। टेबल को देखिए, हमारी कंपनी में उतने ही लेजर इस टेबल में शो होने चाहिए जितने लेजर आपके कंपनी पे असाइंड। ओके तो हमारे दो असाइंड है तो दो आ रहे हैं। अब ये ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके अलावा हमारे को कंसिस्टेंसी चेक भी करना है, तो उसके लिए एक ये टी कोड होता है, इसको इसको आप कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर डाल के ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे, कंपनी कोड डालेंगे APEL और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, यूनिवर्सल जैसे कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, तो ये एरर आपके पास यहाँ पर आ रही है। तो जब तक ये एरर रिजॉल्व नहीं होगी तब तक यहाँ पर
ग्रीन कलर का साइन नहीं आएगा, मींस अभी हमें प्रॉफिट सेंटर एक्टिवेट नहीं है, तो प्रॉफिट सेंटर हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, बैक आते हैं, कंट्रोलिंग में आएंगे। कंट्रोलिंग में यहाँ पर आएगा आपका प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का बेसिक सेटिंग एंड सेट कंट्रोलिंग एरिया हमारा है APEL, ओके, कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग। अब यहाँ पर डाल देंगे उसकी हिरार्की। तो हिरार्की क्या है हमारी, प्रॉफिट सेंटर की PP डाल दिया और APEL, यहाँ पर हमने करेंसी 30 डाल दी, ओके, और एक्टिवेट, एंटर और इसको सेव, हो गया सेव। अब एक बार हम चेक करते हैं, वही जो टी कोड था उस पर आके एग्जीक्यूट करते हैं और कंपनी कोड डाला हमने और इसको एग्जीक्यूट किया। देखिए एक एरर चली गई, अब कंपनी कोड APL नॉट असाइन version 0, ठीक है। तो अब इस एरर को भी हमें रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल कंट्रोलिंग में जाना पड़ेगा, मेंटेन वर्जन, तो 0 वर्जन जो है हमारी कंट्रोलिंग एरिया पे असाइन है, ये ठीक है, ये सेव कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और बैक आएंगे, यहाँ पर डिफाइन वर्जन फॉर कंपनी कोड, तो इस पर कॉपी करेंगे, जस्ट अपना कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पर डाल देंगे APEL, इसको हम सेव कर। तो 2 एरर हमने यहाँ से रिजॉल्व करी है। अब चेक करते हैं टी कोड पे आके, यहाँ पर आएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखिए सारी एरर गॉन, यहाँ पर आ गया चेक पास, मतलब अब आप इस पर एंट्री कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और उसको चेक करना है। लेजर्स को चेक करने के लिए यह है, टेबल्स के लिए SE16N, ये होगी SE16N के थ्रू, और ये जस्ट हमारा क्या है, टी कोड है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं बाद में मल्टीपल टाइप की एरर आती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक्यूरेट होगी और आपको किसी तरह की कोई एरर नहीं आएगी। बाकी अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल डिटेल में कोर्स हमने बनाए हुए हैं। इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस सब कुछ मिलता है और आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।